जम्मू कश्मीर में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। यहां जिला विकास परिषद चुनाव जो होने हैं, अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां पहली बार कोई चुनाव होगा। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोशनी एक्ट भूमि घोटाले से जुड़ी हुई सूची जारी कर दी है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है रोशनी एक्ट और इससे जुड़ा हुआ विवाद। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं एडियो टॉक इंडिया। जम्मू कश्मीर 1950 में लैंड रिफॉर्म लाने वाला पहला राज्य था। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार रोशनी एक्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि एक्ट 2001 लेकर आई। इस एक्ट के तहत सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जों की कानूनी तौर पर मालिकाना हक देने की कवायद की गई थी। मतलब कि इस कानून ने कई दशकों से जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक दे दिया। इसके लिए कट ऑफ वर्ष 1990 निर्धारित किया। बाद में जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकारें इसे बदलती रही। रोशनी एक्ट के तहत जमीन आवंटन से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग बिजली के ढांचे को सुधारने में किया जाना था, लेकिन जमीन का आवंटन सही तरीके से हो नहीं पाया। इसके तहत लाखों हेक्टेयर सरकारी जमीन लोगों को औने पौने दामों में बांट दी गई। केवल 15.58% जमीन को ही मालिकाना हक के लिए मंजूरी दी गई। कहा यह जा रहा है कि जो प्रभावशाली लोग हैं उन्हें जमीनें कौड़ियों के दाम पर मिल गईं। जमीन को मार्केट वैल्यू के सिर्फ 20% दर पर सरकार ने कब्जेदारों को सौंप दिया। यानी कि कुल मिलाकर जो कथित है उसमें 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आ रही है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2018 को इस योजना को रद्द कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि इस योजना के तहत कम राजस्व प्राप्त होने और उद्देश्यों के नाकाम होने की बात सामने आई थी। हाईकोर्ट में इसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट ने जब इसे खारिज कर दिया तो इस एक्ट में शुरू से ही जो प्रक्रियाएं हुई थी वो खारिज हो गई, यानी कि वो गैर कानूनी हो गई। हाल ही में जस्टिस गीता मित्तल व राजेश बिंदल की हाईकोर्ट बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश देकर यह भी कहा कि हर 8 हफ्ते में केस की जांच के स्टेटस की रिपोर्ट दी जानी है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में मैंने रोशनी एक्ट पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।